हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋतु किचन। आज मैं आपके लिए आम की आइसक्रीम लेके आई हूँ। उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। आप आम की आइसक्रीम खाएंगे तो यूँ कहेंगे, वाह क्या आइसक्रीम है। तो चलिए बनाते हैं आम की आइसक्रीम। ये देखिए, हमारे पास तीन आम है जो टाइट टाइट से थोड़े ले रखे हैं मैंने आम, और ये दशहरी आम है। दशहरी आमों की क्या आइसक्रीम अच्छी बनती है। हम क्या करेंगे, पहले इन दशहरी आमों के ये ऊपर से हिस्सा काट लेंगे, इतना इतना इन तीनों आमों के ऐसे काट लेंगे। ये देखिए, हमने ये ऐसे इस तरह से ये कैप इनकी काट ली है, निकाल ली है। इन्हें फेंकना नहीं है क्योंकि ये काम में आएंगी। अब हम क्या करेंगे, इन गुठलियों को बाहर निकाल लेंगे चक्कू की सहायता से, ऐसे कर करके अंदर, जिससे कि ये आम गुठली को छोड़ दे। और इसको ऐसे मोड़ मोड़ के थोड़ा आम को छुड़ाएंगे। ये थोड़ा टाइट छूटता है। ये देखिए, ऐसे निकल गई। अब हम एक गिलास लेंगे, उसमें इसको रख देंगे, आम को ऐसे रख देंगे। और ये गुठली जो है, इसका भी पल्प निकाल के हम इसी आम में डाल देंगे। ऐसे ही करके हमें इन तीनों आमों के पल्प काट काट के इसमें डाल देने, ऐसे गुठली निकाल के। ये देखिए, हमने ये तीनों आमों की गुठलियां इस तरीके से निकाल ली है। ये कैप है और मैंने तीनों आम इस तरीके से ये रख दिए हैं। इनके गुठलियों का सारा पल्स जो है इसमें निकाल के इसमें डाल दिया है आमों में। अब हम इनके ये कैप लगा के फ्रीजर में 2-3 घंटे के लिए इन्हें रख देंगे। जब तक ये आम सेट होंगे, तब तक हम इनमें भरने के लिए इनकी रबड़ी तैयार करते हैं। अब हम आइसक्रीम के लिए दूध तैयार करेंगे। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने 1/2 लीटर दूध चढ़ा दिया है। अब इसे हम चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, तब तक थोड़ा थोड़ा करके हम इसे चलाएंगे। और इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। इसमें मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे इसमें और इसको घोलेंगे मिल्क पाउडर को, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। ये दूध में डाल देंगे हम इसको, जिससे कि ये गाढ़ा हो जाए। ये हमारे पास 2 चम्मच मलाई है, उसे भी हम डाल देंगे, जिससे कि मलाई का इसमें घी बन जाएगा। इसको हम चलाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाए, तब तक चलाते रहना है। और इतना भी गाढ़ा नहीं करना है इसे, मैं बीच में अभी आपको बताऊंगी कितना गाढ़ा करना है। अभी तक आप चलाते रहिए इसे। देखिए, हमारा दूध कुछ इस प्रकार का गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम फ्रीजर में से आम को निकाल लाते हैं। देखिए, ये हमारी ठंडी हो चुकी है रबड़ी। अब इसमें हम कुछ काजू की टुकड़ियां डाल देंगे और 2 इलायची कूट कर डाल देंगे। इसको मिला देंगे। ऐसे चम्मच की सहायता से हम इन आमों में भर देंगे। इन आमों को ज्यादा ना भरें,
थोड़ा सा गैप छोड़ दें इसमें। ये देखिए मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है क्योंकि फ्रिज में ये फिर ऊपर आ जाएंगे। अब इसको हम गिलास में रख देंगे और इसकी कैप लगा देंगे फिर से और इसे फ्रीजर में फिर से रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए, जिससे कि ये जम जाए अच्छी तरह से। ये देखिए हमने इस तरीके से ये तीनों आम भर लिए हैं। अब इनकी कैप हम इनमें वापस लगा देंगे, ऐसे 10 से 12 घंटे के लिए फिर फ्रीजर में रख देंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से जम जाएंगे तब हम इनको निकालेंगे। ये देखिए मैंने ओवरनाइट ये आम रख रखे थे, अब ये हमारी आम की कुल्फी सी जम के तैयार हो गई है। ये देखिए कितना टाइट टाइट आम लग रहा है इसमें, ये सारे आम देखिए, ये आइसक्रीम तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये आम के ये जो थे ये हमने हटा दिए हैं, अब इनको हम छीलेंगे। ये बहुत ठंडा आम है तो इसे अच्छी तरह से छीलना, और टाइट भी है, धीरे धीरे छीलना पड़ेगा इसको, संभल के छीलना नहीं तो लग भी सकती है, बहुत ठंडा आम है। ये देखिए हम मैंने सारे आम छील लिए हैं, देखिए पूरे आम छील लिए हैं मैंने। अब इसे इसके हम स्लाइस काटेंगे। ये देखिए मैंने सारे स्लाइस काट लिए, आराम आराम से काटें। ये देखिए मैंने ऐसे स्लाइसेस काट लिए हैं आम के। अब इनमें मैंने ये ड्राई फ्रूट लगा दिया है, चिरौंजी लगा दी है। आप चाहे कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आपको अगर ये आइसक्रीम मेरी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, लाइक करना, शेयर करना, और नई रेसिपी मुझे ज़रूर बताना कि मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी बनाऊं। फिर मैं आऊँगी आपके पास नई रेसिपी के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना। गुड बाय।